जिला बलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्मापुर गांव में सोमवार को दोपहर तकरीबन 2 बजे अचानक एक बरगद का पेड़ गिर गया, जिसमें एक भैंस की दबकर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के धर्मापुर गांव निवास अर्जुन गौड़ पुत्र परशुराम गौड़ के घर से सटे बरगद का काफी पुराना पेड़ था, जो सोमवार को दोपहर तकरीबन 2 बजे अचानक गिर गया, जिसमें दबकर मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाते ही मुकामी पुलिस व यूपी 100 पुलिस भी पहुंच गई तथा मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि बरगद का पेड़ काफी पुराना हो चुका था, जिसकी सूचना अनेकों बार वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी विभाग अधिकारी को दी गई, मगर अब तक किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। यदि इस प्रकरण को संज्ञान में ले लिए होते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। सहयोग अच्छा रहा कि घटना के समय कोई जनहानि नहीं हुई। बलिया से संजय की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। अपना परिचय दें। हमारा नाम अर्जुन है, पिता का नाम परशुराम। कहाँ के निवासी हैं? धर्मापुर। क्या मामला है? भाई बरगद के पेड़ गिरने से भैंस और पाड़ी दबा गई, मर गई है। पाड़ी मर गई और भैंस तो थोड़ा बची है। इसका जिम्मेदार कौन है? कैसे गिरा बरगद का पेड़? बरगद का पेड़ अचानक गिर गया सर, उसका जिम्मेदार कौन है? पेड़ का हवा का कौन जाने? रोज वही बातें थे का? जी ना, पहले दिन बातें थे जी। पाड़ी चल रही थी।